अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो हमान में रखे। और आज हम लोग आए हुए थे सेंटर पॉइंट, जो बवादी एरिया का सेंटर पॉइंट है जता में, वहाँ पे हम लोग आए थे। अभी काफ़ी इंड ईयर सेल चल रही हैं, तो हम लोगों ने सोचा चलते हैं चेक कर लेते हैं कुछ, क्योंकि बच्चों के तो कुछ ना कुछ सामान होते हैं जो आपको लेने ही होते हैं। तो बेटर है कि अगर ऑफ़र चल रहा है तो आप लेकर के रख लें तो बेहतर ही होता है। मेरा तो हमेशा यही होता है कि मैं उसको लेके रख लेती हूँ, क्योंकि बाद में आपको 3-4 मंथ्स में आपको ज़रूरत पड़ेगी, और जब आपको ज़रूरत होती है तो उस टाइम पे ऑफ़र्स नहीं रहते। तो हम लोग आए थे चेक करने, पर यहाँ तो कुछ भी स्पेशल सेल नहीं थी। यजान को मिरर मिल गया था और वो उसमें पूरी फुल मस्ती कर रहा है कि उसको पूरा फुल इंजॉय देखी, उसको फेस बना बना करके, और उसको ट्रॉली कह रहा है कि मूव करो उसको, क्या ना मिरर के सामने लाओ, तो ताकि वो इंजॉय कर सके देखे। अब जाके इसकी सारी बदमाशियाँ सामने आ रही हैं। अब भाई 1 ईयर के अबव हो गए हैं तो थोड़ी बहुत तो करेंगे। शूज़ पे इधर बैली शूज़ थे, इन सब पे तो अच्छा ऑफ़र था, ये सब 20 रियाल्स के थे। और कुछ शूज़ पे थे ऑफ़र्स, पर मोस्टली ऐसा है कि तो नॉर्मल डेज़ में इतने ऑफ़र्स रहते हैं, ये कोई बहुत ही अच्छा ऑफ़र इधर नहीं था बवादी एरिया में। सुना है कि उधर अजीज़ मॉल के जो सेंटर पॉइंट है उसमें यहाँ से अच्छा ऑफ़र है, तो बेहतर था हम लोग को वहाँ पे जाना चाहिए था, पर हम लोग इधर आ गए। हम लोगों ने सोचा चलो ये बड़ा स्टोर है, इधर और अच्छी ऑफ़र होगी, पर इधर कुछ भी ऑफ़र नहीं थे, सब यूजुअल प्राइसेस में है। देखिए स्लीपर्स पे भी कोई ऑफ़र नहीं है, बैग्स पे भी कोई ख़ास ऑफ़र नहीं है। तो बिल्कुल नॉर्मल डे का लग रहा था कि कहीं से भी इंडियर सेल लग भी नहीं रही थी। और इधर जो है स्टैलेटो पे थी 20 रियाल से स्टार्टिंग थी लिखा था, पर ये सारे 40-50 रियाल के थे, किसी पर भी 20 रियाल नहीं था। 20 रियाल्स के सारे ख़त्म हो चुके हैं, ये सब 40-50 अराउंड में थे, और स्टार्टिंग प्राइस उन्होंने डिस्प्ले में लिख दी थी कि 20 रियाल। और बैग्स पे तो मुझे कहीं भी ऑफ़र नहीं देखे कि इधर कहीं भी ऑफ़र नहीं है, देखें आप सब वैसे ही नॉर्मल प्राइस पे हैं। कुछ वॉलेट्स पे ऑफ़र्स थे, और वो भी कुछ ही वॉलेट्स पे थे, सारे वॉलेट्स पे भी नहीं है, कुछ बीच बीच में कुछ वॉलेट्स हैं जिन पे थोड़े ऑफ़र्स हैं। तो और मेकअप्स पे कुछ 10% 20% ऑफ था, बाय वन गेट वन फ्री करके था। ये वाले वॉलेट पे थोड़ा सा ऑफ़र है, चेक करें, वो भी 30-40% ही है, फ्लैट किसी में भी नहीं है। ज्वेलरीज़ पे थोड़े ऑफ़र थे, पर ज्वेलरीज अच्छी भी थी देखने में। और ये देखिए इसका सेट, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, और ये 35-37 अराउंड था मेरे ख्याल से, और अच्छा था ये। इसमें 2-3 तरह के सेट्स में है, तो आप अच्छा है किसी भी आपकी ड्रेस पे आप इसको सेट कर सकते हैं। तो अच्छी थी ये, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, ये चीज़ अच्छी थी, पर ये बिना ऑफ़र के थे ये सारे। और आर्टिफिशियल ज्वेलरीज ये सारे हैं, अच्छे हैं। देखिए आप सिल्वर है, गोल्डन है, कॉपर है, तो आप अलग अलग ड्रेसेस पे आप इसको मैच करा सकते हैं। मैं तो इतनी ज़्यादा ज्वेलरीज पहनती नहीं हूँ, बहुत ही कम मुझे ज्वेलरी पहनना पसंद है, वरना तो रेयरली होता है कि लोगों को। पर इधर है, इधर देखिए यहाँ 15 रियाल में था, पर अजीज मॉल के सेंटर पॉइंट्स की मैंने देखा है, वहाँ पे 5 रियाल 10 रियाल्स में अच्छी अच्छी ज्वेलरीज हैं, और वहाँ पे यहाँ से अच्छा ऑफ़र है। और यहाँ पे तो सिर्फ एक ही रैक पर कुछ चीज़ें डिस्प्ले में लगाई हुई हैं ऑफ़र में, वरना मोस्टली कुछ भी चीज़ें ऑफ़र में नहीं है। ये देखिए ये भी 19 रियाल का सेट है, जो कि पहले 30-40 अराउंड से सारे सेट थे। ये सब फेस मास्क हैं, और अलग अलग फ्रूट्स के हैं, और अभी तो न्यूट्रोजीना ना के भी मास्क वो सब है, बल्कि ज़्यादा बेहतर होते हैं इनसे। और इधर मेकअप सेक्शन में भी बहुत ही थोड़े से ऑफ़र थे, कभी कभी बीच में तो बहुत ही अच्छे ऑफ़र्स आ जाते हैं। इनसे तो बेहतर ये लगता है कि आप यहाँ चेक कर लें और ऑनलाइन उसको ऑर्डर कर दें, उधर आपको 10% एक्स्ट्रा मिल जाएगा कोई भी कोड डालने से, और वो बेहतर डील लगती है यहाँ पे देखने से। और इधर तो यहाँ सारा इनका डेकोरेशन आइटम्स होते हैं, कैंडल्स होते हैं, और ये सारे फ्रेगरेंस का था काउंटर, ये सारे कैंडल्स, ये बहुत अच्छा था। 10 कैंडल्स जो थे सिर्फ 5 रियाल्स में थे, और सारे जो है विद फ्रेगरेंस थे, तो बहुत ही अच्छे थे। देखें ये कैंडल्स बहुत अच्छे थे, सारे सेंटेड थे।
और शो पीसेस बहुत प्यारे थे। ये बहुत अच्छा था, ये सिर्फ 19 रियाल में पर बहुत खूबसूरत था। और ये तो उसका था टेबल के रो क्या नाम है रनर था, और ये सिटिंग के लिए था चेयर की, और ये मिरर था, ये बहुत प्यारा सा है। तो इस पर अच्छा ऑफर था, पर मेरे तो बच्चे छोटे हैं तो मुझे इस तरह की चीज़ें मैं डेकोरेट भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो एक फुटबॉल हिट करेंगे और वो हो गया क्या, डांट अलग पड़नी, उससे बेहतर ऐसी चीज़ करनी ही नहीं है। Give me a bit. Don't throw it. Yes, up. Give it back. ये मुझे इतना मतलब छोटू सा है पर इतना तंग करने लगा है कि अब देखें अपने हैंड से, अब वो हैंड सर्जी के टच करके फिर अपने माउथ को टच कर रहा, मुझे हर बार इसको हमेशा सैनिटाइज़ करना पड़ता है कि बार बार इसके हैंड्स को मैं हमेशा सैनिटाइज़ करती रहती हूँ ताकि, और अभी फिर से इतना ज़्यादा डर सी होने लगी है कि फिर, और बच्चों के साथ आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ता है, तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं इसको बार बार इसके हैंड ही सैनिटाइज़ करती रहती हूँ ताकि साफ़ रहे इसके हैंड्स, क्योंकि ट्रॉली पे बैठाने से पहले भी मैं ऑलमोस्ट हमेशा ये ट्राई करती हूँ कि मैं इसको टिश्यू से सैनिटाइज़ कर क्लीन कर दूँ ताकि बच्चे सेफ़ रहें। छोटे बच्चों की आदत सी होती है कि उनको मिरर पता नहीं क्यों बहुत ही अच्छा लगता है, ये नुमान भी हमेशा यही करता था, वो मिरर कहीं भी उसे किसी भी शॉप से मिल जाए वो वहीं पर खड़ा होकर के उससे, पता नहीं इनको दूसरे बच्चे लगते हैं कि क्या लगते हैं, पर ये उसको इतना इंजॉय करता था। और वही सेम चीज़ यजान की भी है कि वो उसको मिरर के पास वो एटलीस्ट मज़े से खड़ा है, वरना और कहीं पे ट्रॉली ले जाके खड़ी करे तो वहाँ इतना ज़्यादा ये तंग करता, पर यहाँ पे ये फुल उसके साथ इंजॉय कर रहा है कि दूसरा बेबी है कि क्या है, उसको बहुत मज़ा आ रही थी। और इसके बेहतर ही था कि हम लोग को इसने फिर तंग नहीं किया और आराम से उसी में इंजॉय कर रहा है। और इधर देखिए ये बच्चे अपने लिए सनग्लासेस सेलेक्ट कर रहे हैं, और इधर देखिए ये तो मतलब लग रहा है स्पेस में जाने का इरादा है। अपने आप इनकी शॉपिंग भी चलती रहती है, इनकी अलग ही शॉपिंग चल रही है कि इनको अपने सनग्लासेस लेने हैं, और कैप्स पे ज़्यादा इनका ध्यान रहता है, अच्छे अच्छे कैप्स के, और बड़े हो रहे हैं तो भाई अपनी अपनी चॉइसेस हो गई हैं, कभी ये चीज़ पसंद होती है कभी वो चीज़ पसंद होती है, इनकी अपनी सेलेक्शन चलती रहती है शॉप्स पे। और यजान तो माशाल्लाह अपना बिजी है, फुल एंजॉय हो रहा है उसका। फाइनली हम लोग को वैसे तो कुछ भी नहीं मिला था, हम लोग ने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि कुछ भी चीज़ें देने लायक नहीं थी। सोचा था यजान के लिए काफ़ी हम लोग को वो था कि इसकी शॉपिंग करनी थी क्योंकि इसके सारे कपड़े अब छोटे हो रहे हैं तो लेके रख लें, पर कुछ भी नहीं मिला, इससे बेहतर तो ऑनलाइन है फिर देख लिया और आके फिर ऑनलाइन उसको ऑर्डर करके हम लोग ले लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहें। और मेरे न्यू सब्सक्राइबर का मैं बहुत 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 थैंक्स करती हूँ जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, और प्लीज़ मेरा साथ ऐसे ही देते रहें।